हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे सलवार के पोंचे का एक स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल डिजाइन। तो चलिए हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं अपने डिजाइन की अच्छी अच्छी पिक्स डालती रहती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो पोंछा मैं बनाने जा रही हूँ ये दो बुकरम के पैटर्न से रेडी होगा। तो एक मैंने ऐसे बड़ा लिया है और एक ऐसे छोटा लिया है, लगभग आधा इंच छोटा है ये दूसरे वाला। तो ये जो छोटे वाला है ये कटवर्क के स्टाइल में आएगा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कटवर्क डालना है। तो देखिए, बड़े वाला है जो मेरे पास वो ढाई इंच है और जो छोटे वाला है वो लगभग दो इंच है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका सेंटर ले लेंगे छोटी वाली बुकरम का, क्योंकि हमें जो डिजाइन रेडी करना है वो इसी के ऊपर कटवर्क का डिजाइन रेडी करना है। तो आप चाहो तो पहले इसको सलवार के पोंछे के बराबर कट कर सकते हो, तो मैं अभी आपको वो भी कट करके दिखाती हूँ। तो ऐसे मैंने सलवार के पोंछे को ऐसे फोल्ड करके रख लिया है मोरी को। तो इस तरीके से हम अपनी बुकरम को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे, यानी जितनी हमारे पास है। तो ऐसे हम सलवार को ऊपर रखेंगे और बिल्कुल इसके बराबर कट कर देंगे यहां से। तो ऐसे बिल्कुल मोरी के बराबर ही हमारे पास ये बुकरम भी आ गई है। अब हमने इसी के ऊपर अपना डिजाइन रेडी करना है। तो ऐसे हमने अपनी बुकरम को, छोटी वाली बुकरम को ऐसे रख लेना है। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ओपन वाली साइड ऐसे इधर की तरफ। तो अब हमने बंद वाली साइड से शुरू करना है अपना कटवर्क बनाना। तो एक हम यहाँ पे आधा कटवर्क बनाएंगे, यानी कि इस तरीके से यहां से हम शुरू होंगे। आप चाहो तो मार्क भी कर सकते हो, यानी कि एक कटवर्क हमें लगभग चार इंच का चाहिए, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं दो इंच। तो दो इंच हमारा उस तरफ आ जाएगा। अब आगे हमें चाहिए चार इंच का, तो हम इसको ऐसे चार इंच को भी मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो यहां से हम लगभग शुरू होंगे ऐसे इस तरीके से। आप चाहो तो थोड़ा और भी डाउन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और यहां से धीरे धीरे इसको ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये कटवर्क के शेप में हमें देना है ऐसे। और यहां से फिर अगेन ऐसे। तो ऐसे हमारा ये कटवर्क ड्रॉ हो चुका है। अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर देंगे। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कीजिए, क्योंकि हमारे जो सलवार के पोंछे की पूरी लुक है वो इसी कटवर्क के ऊपर टिकी हुई है। तो ऐसे हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो कटवर्क है वो ऐसे आ जाएगा। अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा ऊपर वाली साइड में आ जाएगा, और जो नीचे वाला पोंछा है वो हमारा बिल्कुल प्लेन ही आएगा ऐसे। तो ये जो पोंछा है हमारा, इसको तो हम जैसे फैब्रिक पे अटैच करते हैं वैसे ही सेम इसको अटैच कर लेंगे। और इसको जो कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, कैसे इसको फैब्रिक के ऊपर स्टिच करना है हमें। तो ये मेरे पास मेरी सलवार का कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा है सलवार का। तो जो मैंने पैटर्न कट किए हैं पोंछे के, उसको ऐसे पैटर्न को ऊपर रखूंगी और पेस्टिंग के साथ इसको चिपका दूंगी अपने फैब्रिक के साथ। तो ये जो पेपर पेस्टिंग है आयरन के साथ अच्छे से चिपक जाती है। तो मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है, अगर आपको नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हो। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देती हूँ। तो ऐसे मैंने इसको पेस्टिंग के साथ फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लिया है, यानी कि फिक्स कर लिया है। और मैंने बिल्कुल आधा आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है फैब्रिक का भी, और आधा आधा इंच के मार्जिन के साथ ही मैंने इसको कट भी कर लिया है, ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ। तो अब हम इसको भी अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर ऐसे ही चिपका लेंगे पेस्टिंग के साथ। तो ऐसे मैंने दोनों पैटर्न को पोंछे के ऐसे पेस्टिंग के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लिया है, यानी कि चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली साइड है हमारे पोंछे की, हमारे पास नीचे वाले पोंछे की ऊपर वाली साइड ये है, तो इसको हम इस तरीके से प्रेस के साथ ऊपर से फोल्ड कर देंगे ऐसे। आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो, रफ स्टिच, यानी कि सिलाई के साथ इस पे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए मैं इसको प्रेस कर रही हूं ऐसे। देखिए ऊपर से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारी, बिल्कुल बराबर। यहां पे हमने पाइपिंग स्टिच करनी है। अब हमें इस वाले पैटर्न को भी ऐसे ही ऊपर से फोल्ड करना है, क्योंकि ये कटवर्क है तो आसानी से फोल्ड नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कट लगा देंगे ऐसे। कट लगने से ये आसानी से फोल्ड हो सकता है।
ऐसे मैंने इसमें कट लगा दिए हैं। अब हम इसको आसानी से ऐसे फोल्ड कर सकते हैं बिल्कुल अपने बुकरम के साथ साथ। ऐसे ही हमने ऊपर से सारा इसको फोल्ड कर लेना है क्योंकि इस पे भी हमें पाइपिंग देनी है, तो इसको भी फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना जरूरी है। तो ये देखिए, तो ऐसे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये ऊपर से फोल्ड हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया, मार्क करके आप कटवर्क डालेंगे तो आपका बिल्कुल बराबर कटवर्क आएगा। तो अब हम अपने पैटर्न के ऊपर पाइपिंग स्टिच करेंगे। तो ऐसे मैंने ऑफ वाइट कलर की पाइपिंग रेडी की है, ये डोरी पाइपिंग है, इजीली घर पे ही आप इसको रेडी कर सकते हो। तो मैंने पहले भी इसकी वीडियो डाली हुई है। ऐसे हम इसको किनारी पे बिल्कुल इसके स्टिच करेंगे, बिल्कुल अपने कटवर्क के साथ साथ हमने किनारी पे इसको स्टिच करना है। तो आप इसकी पाइपिंग बनाने की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑफ वाइट कलर की पाइपिंग इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरी शर्ट में ऑफ वाइट कलर का वर्क है। तो अगर हमारे पास ऐसे जैसे कट आता है कटवर्क का, तो पाइपिंग में भी हम छोटे छोटे कट्स लगा सकते हैं इजीली फोल्ड करने के लिए। तो जैसे मैंने लगाए हैं बिल्कुल कोने पे, आप वैसे ही लगा सकते हैं। तो ऐसे पाइपिंग में भी आप छोटे छोटे कट लगा के इजीली इसको घुमा सकते हो अपने कटवर्क के साथ साथ। तो ऐसे मैंने अपने कटवर्क के साथ साथ पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। अब जो नीचे वाला पैटर्न है हमारा, ये ऊपर वाला पैटर्न इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, तो हमें नीचे वाले पैटर्न के साथ साथ भी पाइपिंग देनी है इस तरीके से। तो इसके भी ऊपर वाली साइड में ऐसे पाइपिंग दे दूंगी जिसको मैंने प्रेस के साथ फोल्ड किया था। तो ऐसे दोनों के ऊपर वाली साइड में हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हमने दोनों को इस तरीके से स्टिच करना, दोनों का मार्जिन हमारे पास बराबर है आधा आधा इंच का। तो अब हम यहाँ पे एक रफ स्टिच कर देंगे। तो अब हमने क्या करना, अपनी ये जो सिलाई है पाइपिंग वाली, इसी के ऊपर ऊपर सिलाई चलानी है ताकि हमारे ये दोनों पोंछे आपस में पूरी तरह से फिक्स हो जाएं। तो ऐसे हम धीरे धीरे अपनी पाइपिंग वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलाएंगे ताकि इसमें और भी अच्छी फिनिशिंग आए। और ध्यान में रखें आपकी दो सिलाइयाँ ना दिखे। ये ऐसे हमारा ये पैटर्न एक दूसरे के साथ पूरी तरह से फिक्स हो चुका है और पीछे से भी ऐसे आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे भी पाइपिंग देनी है नीचे वाली साइड की तरफ। तो ऐसे हम डोरी पाइपिंग को ऊपर वाली साइड की तरफ रखते हुए जो नीचे आधा इंच का मार्जिन लिया था उसके ऊपर ही हम इसको स्टिच कर देंगे। तो ऐसे हम मैंने इसके नीचे वाली साइड में भी पाइपिंग ऐसे स्टिच कर ली है अपने पैटर्न के। तो ये मेरी सलवार है, हमने इसकी उल्टी साइड ली है और इसी तरह से हमने अपने पोंछे की भी उल्टी साइड लेनी है ऐसे। तो ऐसे ये जो हमने पाइपिंग वाली सिलाई लगाई है, यानी कि पाइपिंग को स्टिच करते हुए हमने सिलाई लगाई है बुकरम के साथ साथ, उस सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हम सलवार का भी बराबर मार्जिन लेते हुए पाइपिंग वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलाएंगे ताकि ये हमारी सलवार के साथ फिक्स हो जाए नीचे से। मैंने बिल्कुल पाइपिंग वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे पलट के सीधी साइड की तरफ कर देंगे ऐसे, और इसके बिल्कुल पाइपिंग की साथ वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएं। तो ऐसे हम बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे ऊपर वाली साइड की तरफ। और ध्यान में रखें आपका सलवार का कपड़ा जो है नीचे से इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा ये सलवार का पोंछा। तो आपको इसके ऊपर कोई भी पैटर्न बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लेन ही अच्छा लग रहा है कटवर्क के साथ। तो अब हम इसको फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और अपनी सलवार को रेडी कर लेंगे। तो ऐसे फिटिंग की सिलाई लगने के बाद आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा ये पोंछा लग रहा है। तो ये इसकी शर्ट है जिसमें ऑफ वाइट कलर का वर्क था, इसलिए मैंने ऑफ वाइट कलर की पाइपिंग दी है। तो ये होगी हमारी सलवार के पोंछे की फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीट डिज़ाइन। थैंक यू।